Okay, students, yesterday we have started our work of converting decimals into P upon Q format and rather one or two sums we have done yesterday. And I told you that tomorrow, means today, nowadays, we will practice some more about this method, because this is a new concept for us in standard 9. Today's first sum, we will take some extra sums now. Question number 1, 0.020202. मान लो कि इस तरह का सम है और इसे हमें P upon Q फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है. हम लिखेंगे लेट x इक्वल टू 0.020202 अप टू इनफाइनिट, और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.02. अब आपको ये देखना है कि डेसिमल के बाद हाउ मैनी डिजिट्स आर रिपीटिंग. हियर वी हैव टू डिजिट्स आर रिपीटिंग, सो आई विल पुट टू जीरोज आफ्टर वन, आई मीन 100 एक्स इक्वल टू, इसके बिल्कुल नीचे आपको लिखना है 100 एक्स इक्वल टू. अब इसको आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2.020202 एट्सेट्रा ऐसा मिलेगा. ये जो डेसिमल है ये यहाँ से यहाँ आ जाएगा. और अब आप लिखेंगे सब्सट्रैक्ट करते हैं. ध्यान में रखना है नीचे से ऊपर सब्सट्रैक्ट करना है आपको 100x - x. हर एक सम में प्रोसेस यही रहेगी, 100x - x इक्वल टू 100x की वैल्यू ये है 2.020202 माइनस, यहाँ लिखने के बजाय हम यहाँ पे लिखेंगे. और अब ये लिखने x की हमें ये वैल्यू डालनी है तो वो रहेगी 0.020202. तो आंसर हमें मिलता है 2. ये सब एक दूसरे में से सब्सट्रैक होके कट जाएंगे और आंसर हमें मिलेगा 2. एट मीन्स 100x - x, देयरफॉर 99x इक्वल टू 2, एंड देयरफॉर x इक्वल टू 2 अपॉन 99. दिस इज द आंसर. जस्ट टेक वन मोर, सेकंड वन. थ्री पॉइंट 213 213 213, कोई भी डिजिट मैं अभी लिखता हूँ रैंडमली, हमें क्योंकि हमें सिर्फ प्रैक्टिस करनी है. तो हम क्या करेंगे, therefore let x equal to, ये जो है इसी को हम सपोज करेंगे 3.213 213 213, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं. ये जरूरी नहीं है सिर्फ हम हमारे लिए लिख रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में वे इस तरह से भी पूछेंगे या फिर इस तरह से भी पूछ सकते हैं. हमने देख लिया कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट आते हैं, 3. रिपीटिंग डिजिट जो है वो 3 है, इसीलिए हम
वन के बाद तीन जीरो लगाएंगे यहां पे, 1000x इक्वल टू, तो ये जो डेसिमल है यहां से थ्री स्टेप इधर खिसेगा, 3213.213213213 अप टू इनफाइनाइट। नाउ सब्सट्रैक्ट देम, थाउजेंड एक्स माइनस एक्स इक्वल टू, 1000x की हमें ये वैल्यू लेनी है 3213.213213 अप टू इनफाइनिट, उसमें से हम सब्सट्रैक्ट करेंगे 3.213213 अप टू इनफाइनिट, तो इनका सब्सट्रैक्शन हमें मिलेगा 0000.3 में से 3 जाएगा 0.321। देयरफोर 1000x माइनस एक्स इक्वल टू 999x इक्वल टू 3210। देयरफोर x इक्वल टू 3210 डिवाइडेड बाय 999। दिस इज द आंसर, वी हैव गॉट द आंसर, बट यहाँ बस हम कट करना चाहते हैं तो कट करते, नहीं करोगे तो भी चलेगा, होता है। और अभी हमें पता है कि ये कट कर सकते हैं तो हम इसे कट कर सकते हैं। तीन से अगर कट करते हैं तो 3 1 जा फिर 0, 3 7 जा फिर 0 डिवाइडेड बाय 333। और अब यहाँ से आगे कट नहीं होगा, देयरफॉर आप इसे भी आंसर लिख सकते हैं, इसे भी आंसर लिख सकते हैं। एक और सम हम लेंगे यहां पे, तीसरा 41.21566666 इस तरह से, तो इसे हम ऐसे भी पूछ सकते हैं 41.215, उसके बाद रिपीटिंग डिजिट आता है, यहाँ तक कुछ रिपीट नहीं होता है। डेसिमल के बाद हाउ मैनी नंबर्स ऑफ रिपीटिंग डिजिट, यही हमें जानना है। पहले हम x सपोज करेंगे, लेट x इक्वल टू 41.215666, देन 10x इक्वल टू 41.215666, ये तो था ही, लेकिन जब हम इसे 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये यहाँ से खिसक के आ जाता है यहीं पे 412 पॉइंट, ये जो डेसिमल है ये यहाँ से खिसक के यहाँ जाएगा। एंड नाउ सेम स्टेप, पहले x, उसके बाद या तो 10 से या 100 से या 1000 से आपको मल्टीप्लाई करना है। एंड हाउ विल यू डिसाइड दैट विथ विच नंबर यू विल मल्टीप्लाई द एक्स, फॉर दैट वन यू हैव टू टेक केयर अबाउट रिपीटिंग नंबर, हाउ मैनी नंबर्स आर रिपीटिंग देयर आफ्टर डेसिमल, that number of 0 will be applied here. So 10x equal to this one, or subtracting 10x minus x equal to 412.156666, इसमें से हम सब्सट्रैक्ट करेंगे 41.215666, ये रहा 0, ये रहा 0, ये रहा 0, 6 में से 5 जाएगा 1, 5 में से 1 जाएगा 4,
और वन में से टू नहीं जाएगा, यहाँ से कैरी करेंगे वन, यहाँ पे इलेवन, इलेवन में से टू जाएगा नाइन, वन में से वन जाएगा ज़ीरो, 41 में से 4 जाएगा, मुझे मिलेगा 36. आई होप द सब्सट्रैक्टिंग सब्सट्रैक्शन प्रोसेस इज राइट. 0 0 0, 6 में से 5 तो 1, 5 में से 1 तो 4, 11 में से 2 9, 1 आउट ऑफ 1 तो 0, एंड 1 मिनट, 5 6 5 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 हो जाए ना. और मैंने कुछ गलती की है यहाँ पे, 41 में से 4 जाएगा 36 नहीं, सॉरी, इट वुड बी एंड इट विल बी एक्चुअली 37, सॉरी फॉर दैट वन. बट नाउ हियर आई विल डू 9x इक्वल टू 370.941. इसमें से अब डेसिमल हमें नहीं रखना है, हमें प्योर फ्रैक्शन बनाना है, और इसीलिए हम इसे लिखेंगे 370941 डिवाइडेड बाय 1000. और अगर ये 9 सामने जाएगा तो नीचे जाएगा 370941 डिवाइडेड बाय, ये 9 जो है ये सामने जाएगा तो 1000 से मल्टीप्लाई होगा और 9000 मिलेगा. अभी 3 से ये कट जाएगा, यहाँ मिलेगा 3000 और ये होगा 3. विल बी द आंसर. अगेन आई विल चेक. ओके, सो दिस इज अवर फाइनल आंसर. सो वी हैव प्रैक्टिस्ड दिस 3 एक्स्ट्रा सम, एंड आई थिंक दिस 3 सम्स फॉर प्रैक्टिस इज इनफ फॉर अस टू अंडरस्टैंड दिस फंडा ऑफ हाउ टू कन्वर्ट रिपीटिंग एंड एंडलेस डेसिमल्स इंटू फ्रैक्शन फॉर्मेट और पी अपॉन क्यू फॉर्मेट. So please write down all these 3 sums in your classwork note, and then whenever you'll be free or when you want to write within 24 hours of doing classwork, you will do this same sum in your homework note. And I hope that first time when you are doing the classroom work, you will copy the blackboard from our video. Either you can pause them or you can take screenshot of this one and then write down this in your note. For that one, you can copy them. But after that, when you will do your homework, at that time you will only take questions, main questions from your classroom note, but you will do the sum with your own logic and understanding, so that you can check yourself that are you 100% sure that you have done this method perfectly and you are able to attend this type of sum in your examination. Mind well, this method is important for our exam, and this method, this sum, I am not saying that exactly this sum will be asked in your examination, but this method, there will be, there is going to
ask the in your there is going to be asked in your examination. This type of sum is perfectly. Ma'am, sound ek var check kar le aap. Edit karna acha niche. Okay, the student, now you will write down these three sums in your notebook, and then we will start a sum from our textbook exercise number जो next जो भी आता है उसमें से हम सम लेंगे. ये तीन जो है ये हमारी textbook में नहीं है, ये मैंने सिर्फ आपको method समझाने के लिए ये three sum board पे लिखे हैं, लेकिन एग्ज़ाम के लिए ये मेथड स्टैंडर्ड 9 के मैथमेटिक्स के एग्ज़ाम के लिए ये मेथड आपको 2 से 4 या कभी कभी 6 मार्क भी ये मेथड आपको दे देगी. इसीलिए दिस मेथड इज़ इम्पोर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन. सो यू हैव टू लर्न दिस मेथड परफेक्टली विद इन योर माइंड. इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज अबाउट दिस मेथड, how to convert decimals into p upon q format, you should not have any type of doubt in your mind. So write down these three sums in your notebook, and then we will start the sums from exercise 1.3. और इस एक्सरसाइज में भी कुछ सम इस तरह के हैं जो कि आपको मैन्युअली पूछे जा सकते हैं, ओरल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वाइवा में पूछ सकते हैं, लेकिन रिटन एग्जाम में ये सम ज़्यादातर नहीं पूछे जाते. तो ऐसे हम यहाँ जो एक्सरसाइज 1.3 में कुछ सम ऐसे हैं जिसे हम स्किप कर देंगे, क्योंकि वो रिटन एग्ज़ाम में पर्टिकुलर मैथमेटिक्स में नहीं पूछे जा सकते. हाउ कैन दे और हाउ कैन द पेपर सेटर आस्क एसेज इन मैथमेटिक्स, दैट इज़ इम्पोर्टेंट. वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट फंडा, बट फॉर द पॉइंट व्यू ऑफ एग्जामिनेशन those sums are not as important, so we will not do that those sums in our examination or in our notebook also, or I will not take them on the blackboard also. Exercise 1.3, ये जो इस स्क्वायर के नीचे जो है ये हमारा आज का टेक्स्ट बुक का पोर्शन है. Write the following in the decimal form. First is 36 upon 100. इसको decimal form में लिखना है. तो ये कोई ऐसी endless भी नहीं है और ऐसा कुछ नहीं है, आप इसको सीधा लिख सकते हैं. 0.36 2 पॉइंट आप कट कर देंगे तो सीधा आपको आंसर मिल जाएगा. दूसरा जो है वो है 1/11. अगर इसको आप करना चाहते हैं 1/11, तो इसके लिए आपको 1 को
11 से डिवाइड करना होगा इस सम करने के लिए। पहले हम 0 लिखेंगे। प्रोसेस ऑफ डिवीजन यू नो वेरी वेल, सो आई विल नॉट गो डीपर इन दिस डिवीजन प्रोसेस। अगेन ज़ीरो एंड 11 नाइन ज़ा। वन, फिर ज़ीरो, इसे हम नीचे लेंगे तो यहाँ ज़ीरो रखना पड़ेगा। फिर दूसरा ज़ीरो, इसे भी हम नीचे लेंगे तो 11 नाइन ज़ा, फिर वन, और ये प्रोसेस हमारी यूं ही चलती रहेगी। तो इसे हम लिख सकते हैं 0.0909 और इस तरह से चलेगा। तो इसको आप लिखेंगे 0.09, इसके ऊपर ये दो लाइन, ये प्रोसेस यहाँ से इन्फिनिट तक जाने वाली है। हमेशा एक रिमाइंडर तो रहेगा ही। ये थर्ड सम है, ये दूसरा वाला था, ये तीसरा वाला है 4 and 1/8। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं 33/8, और अगर आप 33/8 करोगे तो यही मेथड फॉलो करके आपको जाना है, और जो भी आंसर आए वो आपको यहाँ पे लिखना है। ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, एक सीधी सादी डिवीज़न प्रोसेस है, ये आपको अपने आप करनी है। और जो भी आंसर आए, चाहे रिपीटिंग आए चाहे एंडलेस आए, आपको यहाँ आंसर लिखना होगा। ये इसके बाद हम लेंगे फोर्थ वन, 3/13। ये भी एक सीधा साधा सिंपल प्रोसेस है, 3/13, 0. अब हम 0 रखेंगे, 26 मिलेगा, 4 जाएगा। और अब आगे यहाँ से मैं आप पे छोड़ता हूँ, इसका जो भी आंसर है, आप डिवीज़न प्रोसेस तो आप जानते हो, इसके लिए मुझे ये कंप्लीट करने की ज़रूरत नहीं है। ये फोर्थ था, अब हम करने वाले हैं फिफ्थ, 2/11। तो इसके लिए हम जाएंगे 2/11, पहले 0 से करना होगा, उसके बाद 11 वन ज़ा, फिर हमें 9 मिलेगा, फिर 0 करना होगा, फिर 2 मिलेगा, 0 करेंगे तो 0 करना होगा, फिर 9 मिलेगा, फिर 0 करना होगा, और फिर हमें 2 मिलेगा। मतलब कि ये प्रोसेस इन्फिनिट तक रिपीट होने वाली है। आप जितने भी जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर विल ऑलवेज बी 2 and 9 and 2 and 9 and 2 and 9, एंड दिस वे डेसिमल के बाद 1/8 1/8 1/8 चलता रहेगा। सो आवर आंसर इज 0.1818 1/8 1/8, और इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं 0.18। और आखिरी वाला जो है 3/9/400, ये फिफ्थ था, ये हमें मिला 6। तो नीचे से ये दो पॉइंट को कट कर डालते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 3.29/4। और अब हम अगर इसे 3/29
डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो 4 8 जा 32, 0, फिर हम 9 को नीचे लेंगे तो 4 2 जा 8, 1 को नीचे लेंगे, पॉइंट डेसिमल यहाँ तो है ही इसलिए हमें कोई नया बनाना नहीं है, यहाँ पे हम 0 पॉइंट करेंगे, एक जीरो नीचे आएगा, 4 अगेन हमें मिलेगा 4 टू जा तो फिर मिलेगा 2, और फिर हम जब करेंगे तो 4 फिफ्जा पे, यहाँ पे आगे मुझे नीचे जगह नहीं है तो ये जो 20 है इसके नीचे एक और 20 आएगा और रिमाइंडर 0 हो जाएगा, तो इसका आंसर होगा 0.8225। तो ये यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो कंप्लीट होता है, बिल्कुल इजी सम है, इसमें सिर्फ डिवीजन के अलावा और कुछ नहीं करना है, और आपको डेसिमल में डिवीजन के आंसर लाना है, कुछ तो बिल्कुल इजी है, कुछ में थोड़ा सा टफ होता है, कुछ में मैंने आपके ऊपर छोड़ा है, ये दिस वन योर सेल्फ, ये आपको अपने आप करना है, डू योर सेल्फ, ये तो ये जो 3 सम मैंने ऊपर लिखे हैं वो एक्स्ट्रा सम है, और ये जो नीचे है वो टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन 1 मैं लिखता हूँ पेज नंबर 14, ये भी आपको अपनी नोटबुक में लिख लेना है। आज हमने एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 तक कंप्लीट किया, कल हम इससे आगे लेंगे, थोड़ा सा जो काम है वो एग्ज़ाम के नज़रिए से भी, आपको कुछ दिमाग का भी यूज़ करना पड़ेगा इस मेथड में, कुछ याद भी रखना पड़ेगा, कुछ समझना भी पड़ेगा, हर एक एस्पेक्ट से देखें तो आज का जो हमारा लेक्चर था वो कुछ इम्पोर्टेंट था, तो मैं चाहता हूँ कि आप आज के लेक्चर को अच्छी तरह से समझे होंगे, आपका धन्यवाद, थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग दिस लेक्चर।